आज विश्व योगा दिवस पर नगर खुदनेर में नागरिकों में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने की जबरदस्त दिलचस्पी रही। एक तरफ जहां आज विश्व योगा दिवस था, दूसरी ओर जीरो ग्राउंड से मीडिया की टीम ने पूरे नगर के वैक्सीनेशन सेंटरों पर लगातार निगाहें रखी। शासन प्रशासन तथा जनप्रतिनिधि और नागरिकों से चर्चा हुई, जिसमें नागरिकों ने बताया कि हम इस वैक्सीन को लगवाने से बहुत खुश हैं और हम अपने परिवार में भी, गांव में भी और पूरे देश के लोगों से अपील करते हैं कि आप भी वैक्सीन लगवाएं। ज्ञात हो कि गत दिनों इसकी जागरूकता के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप कुमार शर्मा जी, सांसद रोडमल नागर जी, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव, केदार कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर, केदार काका पंकज शर्मा, खुदनेर सदर अजीज मोला, तहसीलदार शंभू सिंह मीणा, सीएमओ नगर पंचायत उमेश शर्मा, एसडीएम महोदय पल्लवी वैद्य, डॉक्टर राजीव हरिओम, पूर्व विधायक अमर सिंह यादव तथा शासन प्रशासन के कई लोगों ने लगातार नागरिकों से अपील की और आज भी उसी का असर रहा कि खुदनेर नगर के अंदर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में शानदार उत्साह देखा गया। इसी कड़ी में आज और पिछले कई दिन महीनों से मीडिया रिपोर्टर ने भी नागरिकों से यह अपील की, खुद भी वैक्सीन लगवाए और इसके लिए लोगों को भी जागरूक करें। टीम भारती न्यूज। सबको टीका कोरोना का लगवाना चाहिए, इससे अपने जीवन की सुरक्षा है और सबको आसपास वालों को प्रेरित करना चाहिए, सबको निकाल के लाना चाहिए। टीका से अपनी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, सभी लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। किसी को किसी प्रकार के कोई डरने की आवश्यकता नहीं है इससे। और टीका मैंने लगवा चुका हूँ, मैं भी, मेरे साथ ये बॉस हैं और उसके बाद जो इन्हें भी मेरे साथ टीका लगवाया है, दादा आए हैं, बुजुर्ग हैं, ये भी टीका लगवा रहे हैं। सबको टीका लगवाना चाहिए, मैंने टीका लगवाया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है इसमें, किसी प्रकार का डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने टीका लगवाया, अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगवाना चाहिए। अच्छा दादा, आपको टीका लगवा कैसा लग रहा? अच्छा जी। हमारे साथ और कुछ 6 नंबर वार्ड के साथी है जी। सर कैसा लग रहा टीका लगा? बहुत अच्छा लगा सर टीका लगाने में, और सभी को लगवाना चाहिए, ये टीका जरूरी है अपने लिए और अपने महल्ले पड़ोसी परिवार को, सभी को लगवाना जरूरी है। हमारे साथ कुछ और नागरिक मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। वार्ड नंबर 6 में अजीज का मंसूरी प्रेरक का कार्य कर रहा हूँ और जो है सबको टीके लगवाने के लिए कह रहा हूँ और हम प्रयास कर रहे हैं लगातार 8-15 दिन से। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। आपने टीका लगवा लिया? अच्छा लग रहा है आपको? आप और भी बहनों को कहेंगे टीका लगवाने के लिए? अच्छा अच्छा, चलिए। तो अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय केदार काका साहब है, उनसे इस विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है हम यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव हरिओ जी मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। आज अपने यहाँ में 3 जगह टीका का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग टीका के लिए आए। इस तरह से जो हमने कल रैली के माध्यम से जो हमने पूरे खुदनेर जिले में भ्रमण किया था, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सभी जगह भीड़ लगी हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवा रहे हैं। यही मेरी अपील सभी से है, जो भी शेष बचे हैं ज्यादा से ज्यादा आके यहाँ पर टीका लगवाए। इसी कड़ी में अभी जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे साथ यहाँ पर एक जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय केदार जी काका साहब मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं। काका साहब स्टार्ट कर। कल हमने जिला प्रशासन के साथ, नागरिकों ने, समाज के सभी संगठनों ने, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने गली गली घूमकर जो रैली निकाली, उसका प्रभाव ये हुआ कि अभी तीनों केंद्रों पर हमारा जो टारगेट है वो आधा पूरा हो गया और हमको और टीके की ज़रूरत लगेगी। ये एक सबसे बड़ी सफलता जन जागरण की हुई और इसके लिए मैं विशेष तौर से मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, हमारे शिक्षक बंधुओं को जिन्होंने पीले चावल देकर घर घर के नाम से अलग जगाई, उसका परिणाम है कि आज भारी संख्या में लोगों में उत्साह बनाकर आज आप टीका लगाने आए। कौन से वार्ड के अंदर खड़े हुए हैं, इसमें कौन से लोग ज़्यादातर रहते हैं इस वार्ड के अंदर? हाँ, हमारा 6 नंबर वार्ड के अंदर मैं खड़ा हूँ, इसमें हमारे मुस्लिम बंधु बहुत रहते हैं और मैं आज देख रहा हूँ कि मुस्लिम बंधुओं ने बहुत उत्साह के साथ घर घर से निकल निकल कर टीका लगा रही है। हमारी बुरके पहन के महिलाएँ आ रही है, उनको भी जागृति आई है, ये एक बहुत बड़ी हमारी सफलता है। Subscribe now to most exciting channel ever.